कंगना रनौत मामले में आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान आ ही गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कुछ लोग महाराष्ट्र में मुंबई में करियर बनाने आते हैं लेकिन शुक्रगुजार नहीं होते। इतना कहते हुए ही उद्धव ठाकरे आगे की तरफ बढ़ गए। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी हैं, नेता भी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर कहा है कि कंगना रनौत को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि कंगना के बयान के समर्थन में हम बिल्कुल नहीं हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत का जो ये मामला है वो महाराष्ट्र सरकार बनाम केंद्र सरकार हो चुका है। कहीं ना कहीं कंगना रनौत के कंधे पर बंदूक रख के जो देश की सरकार है वो महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ राजनीति कर रही है, इस तरह के आरोप महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। कंगना पर संजय राउत जो शिवसेना से नेता हैं उन्होंने कई तरह के बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुंबई से डर लगता है, मुंबई आपको पॉक लगती है तो आप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए। और अब कंगना रनौत ने शिवसेना संजय राउत को कहा है कि 9 तारीख को आऊंगी, जो करना है वो कर लो। ऐसे में केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को जो है वाई सुरक्षा दी है। वाई सुरक्षा के तहत अब कंगना रनौत 9 तारीख को आ रही है, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का समर्थन कंगना रनौत के साथ है जो महाराष्ट्र सरकार को बिल्कुल भी नहीं जम रहा है। यही वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में कंगना रनौत कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जा रही है या नहीं, एक अहम सवाल के साथ इस वीडियो का समापन कर रहे हैं। आगे की खबर अगले वीडियो में।